हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास रेनबो सिक्स सेज में ये एरर आ रहा है, सर्वर कनेक्शन एरर, तो आप इजीली इस एरर को रिमूव कर सकते हैं विंडोज़ पीसी में से। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है। स्टेप नंबर वन, आपको विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांस नेटवर्क सेटिंग, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको नेटवर्क रिसेट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर रिसेट नाउ के ऊपर क्लिक कर कर यस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके पास यहाँ पर विंडोज़ में ऑल नेटवर्क जो है रिसेट हो गए हैं। उसके बाद आप इस सेटिंग को क्लोज कीजिए। स्टेप नंबर टू, आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल, फिर आपको इसको क्लिक कर कर ओपन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं चेंज अडाप्टर सेटिंग, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट कीजिए, आप जो भी वाईफाई नेटवर्क यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर से उसको सेलेक्ट कीजिए। फिर राइट क्लिक कर कर प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर कर यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर, आपको प्रीफर्ड DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप करना है और अल्टरनेट DNS सर्वर में आपको इस तरीके से टाइप कर देना है। उसके बाद आप ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको ऑल सेटिंग्स को यहां से क्लोज कर देना है। स्टेप नंबर थ्री, आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कमेंड प्रॉम्प्ट, फिर आपको राइट क्लिक कर कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर कर आपको इंटर प्रेस कर देना है। फिर आपको यहाँ पर एक और कमांड टाइप करना है, इस तरीके से आपको टाइप कर कर यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देना है। फिर आप अपने PC को एक बार रीस्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप जो है रेनबो सिक्स एज गेम ओपन कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।